सुबह से क्या है कि एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है और इसी फाइनेंशियल ईयर में जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में कैटेगरी चल रही होगी या फिर जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में कॉइन्स चल रहे होंगे सिर्फ वही हमें एक बड़ा प्रॉफिट देने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियोस में आपको मैं ऑलरेडी जो बड़े और कॉइन्स से बता चुका हूं, लेकिन आज के वीडियो में हम वो कॉइन्स कवर करने वाले हैं जो कि बड़े बड़े पोर्टफोलियोज में ऑलरेडी हैं और इनमें से कैटेगरी में हमने वही चूज़ करी है जो रिसेंट है और मोस्ट लेटेस्ट भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बिटमार्ट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक इंस्क्रिप्शंस मार्केट नाम से अलग से एक कैटेगरी बना दी थी क्योंकि इंस्क्रिप्शन कॉइन्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे। सिमिलरली आज के जो कॉइन्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है RWA यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट्स, और रियल वर्ल्ड एसेट्स को ही सपोर्ट मिलने वाली है चाहे हम गवर्नमेंट्स की बात करें चाहे बड़ी कंपनीज की बात करें। तो उनका जो पोर्टफोलियो या फिर उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका जो मेजर पैसा जाने वाला है वो इन्हीं टोकन्स में जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे लिस्ट की अगर हम बात करें तो RWA की लिस्ट भी बहुत बड़ी है, जैसे कि यहाँ पे $50 $10 $20 इवन मेकर जैसे कॉइन जो कि $4,000 के आसपास भी चल रहे हैं। तो RWA कॉइन्स की आज की जो मैं लिस्ट लेकर आया हूं वो यही लेकर आया हूं जिनकी वैल्यू $1 से नीचे ही चल रही है और 5 कॉइन्स को हम कवर करने वाले हैं, यानी कि 5 ऐसे कॉइन्स जो आपको आने वाले समय के अंदर 10x से लेकर 50x तक का प्रॉफिट बहुत ही आसानी से देने वाले हैं। क्योंकि एग्जिस्टिंग कॉइन्स की बात करें तो कुछ कॉइन्स की जो पोटेंशियल ऑलरेडी रीच हो चुकी है यानी कि वो एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉइन्स भी हैं जिनकी शुरुआत अभी होने वाली है या फिर जिनमें अभी बहुत बड़ी पोटेंशियल बाकी है। चाहे BTC $70,000 के आसपास पहुंच चुका है लेकिन उनकी अभी शुरुआत होनी बाकी है, यानी कि यहाँ पे हमें बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है इन्हीं 5 कॉइन्स में से। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहां पे ऑलरेडी मैं आपको एक गिववे दे रहा हूँ, $50 का गिववे है जो कि बिटमार्ट की तरफ से है। तो यहाँ पे टोटल 10 लोगों को ये $50 का गिववे मिलने वाला है। पार्टिसिपेट कैसे करना है ये सारी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर ही मिलने वाली है। तो जैसे कि आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो कैटेगरी है RWA की, तो यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं यहाँ पे एवलॉन्च से शुरू होता है। एवलॉन्च का मार्केट कैप है $20 बिलियन के आसपास है क्योंकि इसका जो रैंक है ये भी 10 के आसपास चल रहा है। सिमिलरली ऐसे काफ़ी सारे कॉइन्स हैं, चेन लिंक है, ICP है, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा चल रही है, यानी कि जैसे चेन लिंक $19 के आसपास चल रहा है, ICP ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में पंप हुआ था जिसकी वजह से $18 के आसपास चल रहा है। अगर आपने ये $2-5 के आसपास लिया होगा तो शायद आप ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे, वरना अभी आपको इन कॉइन्स में कोई बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ऐसे मैं कॉइन्स आपको देना चाहता हूँ जो आप अभी बाय करो, कुछ ही अमाउंट में काफ़ी सारे कॉइन्स आ जाएं, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो हमारा जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है यह ऑन्डो के नाम से। तो ऑन्डो एक तरीके से फाउंडेशन है जिसका मिशन यही है कि एक फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी लाना, मार्केट में एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ाना, ऑन चेन इंस्टीट्यूशनल ग्रेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देना, यानी कि जो हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बैंक से ले रहे हैं सेंट्रलाइज्ड वे में ले रहे हैं उनको यहाँ पे टोटली डिसेंट्रलाइज्ड वे में हमें ये प्रोवाइड किए जाएंगे ऑन्डो के द्वारा। तो ऑन्डो खुद में एक मार्केट लीडर है अगर हम रियल वर्ल्ड एसेट्स की बात करें, तो इन्होंने खुद भी ये चीज़ मेंशन करी हुई है। यहाँ पे इन्होंने खुद भी लिखा हुआ है द लीडिंग डिफाई प्रोटोकॉल सपोर्टिंग टोकनाइज्ड RWA गवर्न्ड बाय ऑन्डो डाओ। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है, वैल्यू अभी इसकी 90 सेंट के आसपास चल रही है। यहाँ पे भी अगर आप बाइंग करते हो तो डेफिनेटली आप एक बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप ये कॉइन बाय करना चाहते हैं आपको इजीली ये वाला USDT का पेयर मिल जाएगा बिटमार्ट के ऊपर ही, और बिटमार्ट का आपको यही फायदा बता रहा हूँ, बिटमार्ट अभी भी चल रहा है, ये बैंड लिस्ट में नहीं आया था, इसका URL भी चल रहा है, ऐप भी चल रही है और इसके ऊपर TDS भी नहीं लगता, तो इसलिए बिटमार्ट के ऊपर बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर आपके पास बिटमार्ट नहीं है तो अभी से साइनअप कीजिए और जितने एयरड्रॉप्स मिलते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करें, मैं आपको एयरड्रॉप ही अवश्य रूप से देने वाला हूं। तो हमारा जो सेकंड कॉइन है ये है पॉली मैश के नाम से, पॉली एक्स भी इसको बोल सकते हैं, लगभग 60 सेंट के आसपास चल रहे हैं। हालांकि ये कॉइन पिछले कुछ दिनों में पंप भी हुआ है तो ऐसी बात नहीं है, इस कॉइन ने भी बड़ा प्रॉफिट दिया है, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल है काफ़ी बड़ी है और $1 से कम वाले कॉइन्स में से कुछ ही ऐसे कॉइन्स हैं जो अच्छे कॉइन्स हैं, उनमें से एक पॉली मैश भी है। तो RWA की कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट कॉइन अगर है तो वो पॉली एक्स भी है, जैसे कि हमने अभी ऑन्डो की बात करी, तो ये कॉइन आप इजिली बाय कर सकते हैं। वंस अगेन ये लगभग सारी एक्सचेंजेस के ऊपर ये कॉइन मिलने वाला है, आप इजिली इसको कहीं से भी बाय कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो कॉइन है ये है डस्क के नाम से। तो डस्क के नाम से प्रोजेक्ट है, इसकी वैल्यू लगभग 50-55 सेंट के आसपास चल रही है, तो इसकी भी वैल्यू अभी बहुत ही कम है जो कि सिर्फ $0.5 ही है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ही लिखा हुआ है रेगुलेटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। बहुत सी गवर्नमेंट्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ बाकी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स भी हैं जो कि चाहती हैं कि रेगुलेटेड वे में डिफाई चले, तो ये उनमें से एक है, तो इसलिए RWA की कैटेगरी में डस्क भी आता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि डस्क हैज़ अ ओनली प्राइवेसी फर्स्ट टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग क्लासिक फाइनेंस एंड रियल वर्ल्ड एसेट्स ऑन चेन। तो इससे क्या कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है या फिर जो लेटेस्ट ऑन चेन फाइनेंस है डिफाई है, इन दोनों का जो गैप है वो बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। यहाँ पे इसको ये भी बोला गया कि इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक लैंडस्केप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ मिलके ये काम करने वाले हैं,
तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट ये मुझे लगा है, जिस कारण ये लिस्ट में भी है। तो इस कॉइन में भी हमें 10x तक का प्रॉफिट इजीली मिलने वाला है, तो 10 कॉइन को आप अब बाय कर सकते हैं। अब हम चौथे कॉइन की बात करेंगे। चौथा कॉइन है हाईफाई फाइनेंस के नाम से। तो हाईफाई फाइनेंस की वैल्यू चल रही है लगभग $1.20 के आसपास, जो कि पहले $2.50 के आसपास भी पहुंची हुई है। अभी रिसेंटली इसकी वैल्यू $1 के आसपास ही रही है। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम इसमें एक पोटेंशियल देखें तो बहुत बड़ा पोटेंशियल बाकी है। पिछले एक साल के अंदर इसने सिर्फ 100-200% का प्रॉफिट ही दिया, एक महीने के अंदर लगभग 80% का प्रॉफिट दिया। लेकिन यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ $5 से लेकर $10 तक की इसकी वैल्यू आने वाले समय के अंदर। तो हाईफाई फाइनेंस आप बाय कर सकते हैं। तो इनका भी काम यही है, टोकनाइजेशन ऑफ एवरी मेजर एसेट क्लास इज ऑन द होराइजन, यानी कि ये टोकनाइजेशन करते हैं। वही सेम चीज़ है जो हम बोलते हैं RWA। तो फाइनेंस फ्रंटियर इन्होंने बोला रियल वर्ल्ड एसेट्स। तो ये जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है हाईफाई फाइनेंस के द्वारा। तो यही कारण है कि मैं हाईफाई फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा भी भरोसा कर रहा हूँ कि ये हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है। तो हमारा जो पांचवा कॉइन है ये है मंत्रा के नाम से। इसका ओम के नाम से कॉइन आपको मिलेगा अगर कॉइन मार्केट के ऊपर सर्च करोगे। मंत्रा सर्च कर सकते हैं या फिर ओम भी सर्च कर सकते हैं। तो पहले मंत्रा दाओ के नाम से था, अभी ये मंत्रा के नाम से चल रहा है क्योंकि इसकी रीब्रांडिंग करेगी है। 70 सेंट के आसपास इसकी वैल्यू चल रही है। हालांकि इस कॉइन ने पिछले कुछ समय में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट दिया है, लेकिन उतनी ही बड़ी पोटेंशियल इसमें अभी भी बाकी है। और अगर हम इनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रेगुलेटरी कंप्लायंट RWA इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस के साथ बिल्डर्स यूजर्स, तो हर एक कैटेगरी को इसमें इंक्लूड किया गया जिसमें एंटरप्राइजेस भी है। तो RWA की कैटेगरी में ये भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है मंत्रा का। तो आज अगर हमें समय मिल रहा है, एक बिल्कुल सही टाइम मिल रहा है इस कॉइन को कम प्राइस में बाय करने का, $1 से भी कम में बाय करने का, तो आई थिंक इसको बाय कर लेना चाहिए। सारी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड है, बायनेंस के ऊपर, बिटमार्ट के ऊपर इजीली आप बाय कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी RWA एसेट्स हैं इनका काम एक ही है, टोकनाइजेशन करना, यानी कि कुछ भी एसेट्स उनको टोकनाइज कर देना, इसी के साथ साथ रेगुलेटरी कंप्लायंस को भी फॉलो करना। यही कारण है कि अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा हाइप में चल रहे हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे एक श्योरिटी रहती है इन्वेस्टर की कि यहाँ पे जो भी अमाउंट लग रहा है वो टोकनाइज्ड है, उनके रियल वर्ल्ड में भी एसेट्स पड़े हैं। वरना अगर मीम कॉइन्स की बात करें या फिर कुछ ऐसे कॉइन्स हमें पता है जो कि बिल्कुल बबल की तरह है कि कभी भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होता है और कभी भी बहुत ज़्यादा कम प्राइस हो जाता है या फिर बिल्कुल प्रोजेक्ट डेड हो जाता है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में हमेशा हमें एक प्रॉमिसिंग प्रॉफिट मिलने वाला है या फिर एटलीस्ट प्रोजेक्ट्स ख़त्म नहीं होने वाले। तो ये थी हमारी लिस्ट 5 RWA कॉइन्स की रियल वर्ल्ड एसेट्स की। बाकी डिटेल्स आपको मैं देने वाला हमारे टेलीग्राम के ऊपर WAFTED Official के ऊपर, जहाँ पे मैं एयर ड्रॉप्स भी डेली डाल रहा हूँ। एंड प्लीज़ जाकर चेक जरूर करना, $5 वाला एयर ड्रॉप ही है। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला है, मेरा साइन अप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा बिटमार्ट का। तो अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग वहाँ पे करिए या फिर स्पॉट ट्रेडिंग करिए, और आप यहाँ पे 50 क्वालिफाइड यूजर्स में से एक हो सकते हैं जिनको $5 का एयर ड्रॉप मिलने वाला है। उम्मीद है ये आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक मेरे आने वाले वीडियोज़ भी सबसे पहले पहुँचें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।